अगरबत्ती वगैरह जला रखा है, जैसे पेड़ों में धागा बांधा हुआ है, मतलब दिया वगैरह कुछ यहाँ पे, यहाँ पे भी मतलब भाई ये चीज मानते हैं। निकल यहाँ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरे साथ द टॉप ट्रैवल मीडिया। और आज हम आए हैं संजय वन, और मैंने सुना है ये काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है और टॉप 5 प्लेसेस में से एक आता है ये। तो अभी हम लोग संजय वन आए हैं और चलकर अभी एक्सप्लोर करके बताते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे हॉन्टेड बनाती है। तो गाइस चलिए चलते हैं। गाइस ये रहा संजय वन का मेन एंट्रेंस, और अभी इधर से ही अंदर चलना है हमें। जैसे मैंने एंट्री लिया तो यहाँ पे दो रास्ता आप देख सकते हैं, ये लेक के साइड जा रहा है और ये रास्ता पहाड़ी के साइड जा रहा है। तो अपन सबसे पहले जाएंगे लेक के साइड, और लेक के साइड जाकर वहाँ जाकर आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि आखिर लेक दिखता कैसा है। और सुना है मैंने कि लेक भी बहुत ही डेंजरस है यहाँ का। तो गाइज चलिए चलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेतावनी का बोर्ड है, तो आप इसे पढ़ ले, और कृपया करके भाई अंदर आकर इसे गंदा ना करें। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला रहे हैं तो उसे पालन करें, और यहाँ पे डस्टबिन ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ भी खाए पिए तो बाकायदा डस्टबिन में डाला करें। सो गाइस काफ़ी अंदर तक हम लोग आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये झील का ही नहर यहाँ से आ रहा है, और अभी इस साइड चलते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, मतलब इस तरह के यहाँ पे सांप पाए जाते हैं, और ये दो क्यों कटा है इसका मुझे पता नहीं, या कोई तफरी के लिए ऐसे ही काट रखा है। अभी तक लेक आया नहीं है तो। और देखिए कैसा लग रहा है भाई, बोलिए। बहुत अच्छा भाई, ऐसा लग रहा है ऐसा जैसे मैं किसी हंटेड प्लेस पे आया हूँ, है ना। और अभी वहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ था कि वहाँ पे कुछ लड़के आ रहे थे, मैंने इस फोन को सीधा छुपा कर रखा था भाई, अगर चोरी हो गया ना तो एक तो वीडियो नहीं आ पाएगा टाइम से, और ऊपर से मम्मी भी मारेगी। यहाँ से भी दो रास्ता दिया गया, एक है इस तरफ जाता है रास्ता, और एक रास्ता है इस तरफ। तो अभी हम लोग इस रास्ते की तरफ चलेंगे। सो गाइस चलते चलते मैं अभी आपको एक घटना बता रहा हूँ, वो भी संजय वन से जुड़ी है। कुछ लड़कों ने यहाँ पे एक लड़की को लाकर रेप करके उसे मार डाला था, और यहाँ का गार्ड होने के बावजूद उसकी कोई हेल्प नहीं की, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो लड़की की आत्मा है यहाँ पे भटकती है और लोगों को तंग करती है, परेशान करती है। रास्ता तो बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से बिल्कुल सुनसान है भाई, ऐसा लग रहा है बरसों से यहाँ पे कोई आया नहीं। गाइज ये जो आप नहर देख रहे हो बह रही है, ये लेक से पानी आ रहा है, और अभी हम आए थे लेक जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ हो गया है तो वहाँ पे गार्ड जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं उस तरफ नहीं जाने देंगे। गाइज लेक की तरफ तो जा नहीं सकते, अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। यार कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा जगह है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। सो गाइज हम पहाड़ के तरफ आ गए हैं। नाम तो देखो इसका, मयूर पहाड़ी। हाँ ये है मयूर पहाड़ी, पीकॉक हिल्स के नाम से ये जाना जाता है हिंदी में मयूर। आप यहाँ से मतलब कुतुब मीनार बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार है, और ये पूरा जंगल का नजारा आप देख सकते हैं। इधर भी अगर टर्निंग लिया तो इधर भी बस पूरा जंगल ही जंगल है, और सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से। और अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कब्र की साइड, और कब्र को एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, और उससे जुड़ी कुछ बातें हैं, हिस्ट्री है, वो आप लोगों को बताएंगे। ये कब्र, गाइस थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे पता है इसके बारे में कि एक तारा नाम की लड़की थी, वो किसी की बहन थी, मैं यहाँ पे कब्र के सामने आकर उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो गई थी मेला घूमने के लिए, और उस लड़की को
किसी नॉन कास्ट के लड़के से प्यार हो गया था, और प्यार इतना गहरा हो गया था भाई कि वो बात शादी तक पहुंच गई थी, और उनके घर वाले इस शादी के लिए साफ इनकार कर रहे थे। तो यहाँ पे इस जंगल में काफ़ी सारे युद्ध हुआ, काफ़ी सारे मतलब यहाँ इस जंगल पे इतना सारा खून बहा है लोगों का। और फिर वो लड़का क्या था कि वो लड़का युद्ध जीत गया था, और तारा को वो जब लेकर जा रहा था तो पीछे से उनके घर वालों ने उनके ऊपर तीर चला दिया था, और उससे उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो वो तारा थी वो गुस्से में आ गई, और वो तारा जो है वो बोलने लगे कि चंदन की लकड़ी लेकर आओ, मुझे यहीं पे जलना है। तो वो तारा जलकर यहीं पे मरी थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन दोनों की ही कब्र है। यहाँ तो कब्र ही कब्र है भाई। थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर, देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल के बीचों बीच यहाँ पे सिर्फ कब्र ही कब्र है। अब तक मैंने यहाँ संजय वन का जितना भी किया, मतलब यहाँ पे जंगल ही जंगल यहाँ पे ऑलरेडी भरा पड़ा है। सो गाइस ये रहा मज़ार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ऐतिहासिक कुआं, लगभग 800 साल पुराना ये कुआं है। सो गाइज अभी हम लोग मज़ार से आ रहे थे, और रास्ते में मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मतलब अगरबत्ती वगैरह जला रखा है, और ये देख सकते हैं पेड़ों में धागा बांधा हुआ है। और अभी इधर वहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ताज़ा ताज़ा किसी ने दिया यहाँ पे जला रखे हैं। ये देखिए गाइस अभी हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़े हैं, और ऊपर चढ़ के आपको ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं कि संजय वन कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा जंगल जंगल है, और उसके बाद वहाँ से वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वहाँ से मतलब रोड स्टार्ट होता है। और अभी मैं चारों तरफ कैमरा का एंगल करके आपको दिखा रहा हूँ कि संजय वन दिखता कैसा है। और आप देख सकते हैं ये इस साइड भी पूरा जंगल जंगल है, और ये नीचे खाई है, अगर हल्का सा भी पैर फिसला तो भाई सीधा नीचे जाएगा। सो फाइनली गाइस ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने काफी यहाँ पर टूर किया और जंगल को पूरा एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई ये सिर्फ मतलब जंगल ही जंगल यहाँ पे है, और बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क है, पहाड़ है, झील है, और यहाँ पे मज़ार भी है एक, और यहाँ पे कब्र है जिसके बारे में मैंने हिस्ट्री सारा बता दिया है। और सो बस ये कहना चाहता हूँ कि वीडियोस को देखे देख कर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।